प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन भक्त महाराज की जय। जय। दोस्तों आपको अब ये पिक्चर मैं सामने से जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये बाबा जी की जो मूर्ति बनी हुई है वो किस तरह की है, और ये हमारे साथी जन भी है यहाँ पर मौजूद। हम लोग धनबाद से आए हुए हैं और युवा प्रगति संगठन की तरफ से जो हमारे साथी जन है वो अपना अपना परिचय बताएंगे। और ये जिस जगह पर ये प्रतिमा बनी हुई है सुपन जी की, बीरजन जी ये प्रतिमा किस जगह की है? ये प्रतिमा है आपका मैथन 4 नंबर आमकुला बस्ती साधु कुटिया मंदिर, इस जगह का मतलब नाम से परिचित किया गया है। और इस मंदिर को बनाने वाले हमारे ये साधु कुटिया जी, क्या नाम है? अच्छा बीरजन जी, ये जो मंदिर जो ये बनी हुई है ये किसने ये प्रतिमा को बनाया था ये? दरअसल मैंने सुना था कि झारखंड में सुपन जी का कोई मंदिर है नहीं, ठीक है, लेकिन जहाँ तक है कि रात दिन का मेहनत हम लोग का, धनबाद युवा प्रगति संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, 10 मेंबर हैं, उन लोगों का मेहनत सफल हुआ है और आज हमारे झारखंड में एक मंदिर है जो कि मैथन 4 नंबर बस्ती के पास आपका आमकुला बस्ती है, वहाँ पे एक मंदिर है सुपन जी का मंदिर, जिनको बनाने में हमारे जो पूर्वजन्य थे जिनका नाम शंकर साधु थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया। लेकिन अगर कि इस मंदिर को देख रेख के लिए शायद हमारे डोम साथीगण एक नहीं है, लेकिन अब हमारे युवा प्रगति संगठन के मेंबर सब आए हुए हैं, तो शायद ये वीडियो, ये पोस्ट अगर सोशल मीडिया पे जाए तो आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस पोस्ट को जितना हो सके उतना अपने डोम समुदाय के व्यक्ति के हर एक मोबाइल पे फॉरवर्ड कीजिए और एक सीख दीजिए, और आप हमारे अरे देव कल गुरु संत शिरोमणि सुपन सुदर्शन जी का देख रेख पे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बीरजन जी, एक अभी सज्जन ने अभी बताया था कि उस पोटली में जो क्या एक बता रहे थे आप, उसको जरा विशेष में बताइए कि वो इस क्या पोटली है। में जिस जो ये मंदिर का निर्माण किए हुए हैं शंकर साधु जी का, उनका जटा है इस पोटली के अंदर में। इस पोटली को रखा गया खास करके कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आए तो उन्हें बताया जाए कि इस मंदिर का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उन्हीं के आधार पर उनका यह जटा रखा हुआ है विशेष खास करके, इसलिए मंदिर का भी निर्माण वही किए थे शंकर साधु जी। ऐसे तो कहने के लिए कहते हैं कि अगर आप शिव जी को मानते हो तो क्या शिव जी के जैसा आप बन जाओगे, लेकिन कितना को कहते हैं कि नहीं नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमारे जो पूर्वजनों थे जो साधु कुटिया जी के मंदिर का उद्घाटन जिसने किया था और जिसने इस मूर्ति बनाया था, तो यहाँ का आजू बाजू में जितने भी व्यक्ति है ग्रामीण एरिया में उन सभी का कहना है कि शंकर साधु जी सुपन सुदर्शन जी के जैसा लगते थे, जैसे कि हमारे सुपन सुदर्शन जी का जटाधारी उस तरह उनका भी जटा थे, तो उनका जटा को काट के यहाँ पे रखा गया है कि जितने भी हमारे नवयुवक डोम समाज के जितने भी युवा लोग हैं उनको बताया जाए कि हमारे सुपन सुदर्शन जी का जिन्होंने मंदिर बनवाया उनका इतिहास इस पर है। आइए कुछ बाहर में भी चलते हैं, बाहर में कुछ मंदिर उनका भी देख लिया जाए।